हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सिंपल थाली में। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार और चटपटी सी मैगी। तो यहाँ देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया रिफाइंड, ये गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ 3 काट के, साथ ही में मैं इसके अंदर एक प्याज डाल दूँगी स्लाइस किया हुआ, और इसे अच्छे से चला लेंगे। इसे अच्छे से चलाते हुए हमें थोड़ा सा लाल करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा प्याज अच्छे से लाल हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर, और इसी के साथ में मैं डाल दूंगी यहाँ पे मटर। आजकल हरी मटर बहुत अच्छी आ रही है, तो मटर डाल दे रही हूँ मैं। उसी के साथ में मैं यहाँ पे डाल दूंगी शिमला मिर्च, और एक शिमला मिर्च है, थोड़ी सी मटर है। आप और कोई वेजिटेबल डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से अब हम चला लेंगे, और इसे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। तो देखिए, यहाँ पर ये थोड़ी फ्राई हो गई, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी। तो यहाँ पर मैं 2 मैगी ले रही हूँ, 2 मैगी का पैकेट। तो यहाँ पे मैं 1.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे मैगी का मसाला। तो 2 मैगी के लिए हम 2 पैकेट मसाला यूज़ करेंगे। और इसके अंदर जब बॉईल आ जाएगा और हमारी मटर अच्छे से पक जाएगी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ढक दे रही हूँ मटर पकने के लिए। और यहाँ पे मटर पक चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मैगी। 2 पैकेट मैगी ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैगी इस तरह से तोड़ के हमें अच्छे से रख देनी है, और इसे हम इसके ऊपर अब थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस। 1 चम्मच नहीं है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही है। उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे हम विनेगर, वाइट विनेगर है ये, और इसे अब हम ढक देंगे चला के। और देखिए, यहाँ पे हमारी मैगी अच्छे से पक गई है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला। इसे डालने से इसका स्वाद और ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है, और अगर आपको हल्दी डालना हो तो आप डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर कोई मसाला नहीं डालूंगी, और इसे अच्छे से चला लेंगे। और हमारी मैगी अब रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं, नमक परफेक्ट था इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है। तो देखिए, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैगी कितनी अच्छी दिख रही है, और फ्लेवरफुल हमारी मैगी बनी है वेजिटेबल्स के साथ में। आप इसे बनाइए, आप इसमें अगर अंडा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने सर्व कर लिया, हमारी मैगी का कलर कितना अच्छा आया है, और ये खाने में भी उतनी टेस्टी बनी है। मैं आपको इसे जूम करके दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी हमारी मैगी बनी है। तो आप लोग इसे झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।